अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आतिफ रज़ाक और आपको कोडरेक्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले टोस्टर लगाना सीखेंगे, यानी कि हम जो मैसेज यहाँ पे शो होता है कि कॉर्नर पे हमारे पास यहाँ पे मैसेज शो हो जाए, वो हम सीखेंगे कि जब हम अपडेट करें, डिलीट करें या कुछ भी करें तो हमारे पास इधर मैसेज आ जाए। लास्ट टाइम हमें सेव करते हुए अलर्ट बॉक्स लगाया था, हमारे पास वो अलर्ट बॉक्स ना आए और हमारे पास साइट पर टोस्टर मैसेज आ जाए, तो उसके लिए एक हमारे पास एक सिंपल सा जो सबसे आसान सा मेथड है उस टोस्टर मैसेज के लिए, मैंने वो प्लगइन एक फाइंड आउट किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपने इस यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम सिंपल तरीके से इसको बहुत ही आसान तरीके से टोस्टर मैसेज शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर हमारे पास CDN लिंक अवेलेबल है। अगर आप ये अपने पास डाउनलोड करके भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, CDN के थ्रू करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसका मेरे पास GitHub का लिंक भी अवेलेबल है, आप ये डाउनलोड करके अपने पास भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं सिंपल CDN लिंक के थ्रू ही काम करूँगा। यहाँ से मैं CSS का लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपनी हेडर की जगह पर। उसके बाद मैं अपनी jQuery की एक फाइल कॉपी करता हूँ और इसको मैं अपने फूटर में जो हमारी ये jQuery है इसके बाद प्लेस कर देता हूँ। अब इसके बाद प्लेस करने के बाद अब हम यहाँ पे मेन जगह पे आएंगे और यहाँ पे हमने ये CDN के जरिए हमने जो ये CDN लिखा हुआ है, CDN के जरिए हमने जो किया था हम वो मैसेज शो करवाते हैं। तो हम सबसे पहले सिंपल सिर्फ मैसेज शो करवा लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टोस्टर मैसेज शो करवाते हैं हेलो वर्ल्ड का। तो अब ये सिंपल यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट रेडी एक फंक्शन बनाया हुआ था उसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। आप जैसे ही हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक टोस्टर का मैसेज पॉपअप हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड का एक टोस्टर मैसेज पॉपअप हो चुका है। तो अब हम इस टोस्टर मैसेज को हम जो हमारे पास डाटा सेव हुआ था वहाँ पर प्लेस करते हैं। तो उसको प्लेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सक्सेस का भी मैं अवेलेबल है जिससे हमारे पास ग्रीन कलर में चीज़ आएगी। तो हम यह मैसेज की जगह सक्सेस प्लेस कर देना है और इसको यहाँ से जहाँ पे हमने अलर्ट बॉक्स लगाया था वहाँ पर हम ये टोस्टर पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे मैसेज शो करवा देते हैं सक्सेसफुली सेव्ड। अब हमारे पास यहाँ पर मैसेज जो शो होगा वो होगा सक्सेसफुली सेव का मैसेज शो होगा। अब उससे पहले हम इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, जो कि हम जो हमारा मेन जो था वो यहाँ पे दरमियान में आ रहा था, हम उसको कहते हैं कि हमारा यहाँ पे इस राइट कॉर्नर में अवेलेबल हो। तो हम यहाँ से सिंपली हम ये हमारे पास ये पूरा ये पोजीशंस है और ये है, ये हम उठाएंगे। हम यहाँ पर पोजिशन उठा लेते हैं, पोजीशन को हम यहाँ पे कॉमे के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ से सेंटर ख़त्म करेंगे और हम इसको कहेंगे राइट। तो इससे क्या होगा, ये हमारे राइट टॉप राइट में शो होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ हमारे यहाँ पे डिफरेंट भी हैं, हमने मार्जिन भी देना है, डिले है, ड्यूरेशन कितना है, आप उसके ऊपर कोई स्टाइल करना चाहें तो वो भी आप इधर स्टाइल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल सिंपल सा जो सबसे आसान मेथड था और बिल्कुल सिंपल जो हम ज़्यादातर यूज़ करते होते हैं वो हम ये इसी तरह यूज़ करते होते हैं। तो चलिए अब मैं अपने किसी एक डाटे को सेव करता हूँ। तो मैं इसको जब यहाँ पे सेव करूँगा तो हमारे पास मॉडल भी गायब होगा। मॉडल गायब होने के साथ साथ हमारे पास ये फॉर्म सारा क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फॉर्म क्लियर नहीं करते तो क्या होगा, जब हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वापस ये वैल्यूज अवेलेबल होंगी। तो हमने अब इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड आ चुका है और ऑटोमेटिक अब हमें ओके का बटन भी नहीं दबाना पड़ा, जिससे क्या हुआ हमारे पास ये यहाँ पर डाटा भी आ चुका है, मैसेज भी शो हो चुका है सक्सेसफुली सेव्ड। अगर आप इसको डिले देना चाहें, क्योंकि हमारे पास वो फ़ौरन से ही गायब हुआ था, तो मैं इसको यहाँ से डिले लेता हूँ, यहाँ से डिले कॉपी करता हूँ, इस कॉमे के बाद मैं यहाँ पे डिले दे देता हूँ 1000। अब हम दोबारा इसको सेव करते हैं
मैं रिफ़्रेश कर लूँ, क्योंकि जब हम कोड ऐड करते हैं जेक्वेरी के अंदर तो पेज का रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे पास कोड अप्लाई नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा हमारे पास ये सक्सेसफुली सेव्ड आ चुके हैं। अब ये देखिए, अब इसने हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम ये हमारे सामने पॉपअप रहा है। तो ये हमारा सिंपल सा टोस्टर मैसेज का एक ऑप्शन है। आप इसके अंदर और भी चीज़ें, मार्जिन वगैरह, ये हमारे पास पूरी अवेलेबल है। आप गिटहब पे भी जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एरर मैसेजेस के भी हैं कि हमारे पास एरर जब आएगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर रेड कलर में शो होगा, उसके बाद हमारे पास वार्निंग भी है वो येलो कलर में होगा। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल है। मैं आपको ये दोनों गिटहब का भी लिंक, ये वाला अवेलेबल कर दूँगा जो मैंने यूज़ किया है, और उनकी वेबसाइट का भी लिंक अवेलेबल कर दूंगा जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ। आप और भी कोई देख सकते हैं जो आपको इजी लगे, और कोई और टोस्टर के मेथड के थ्रू जो आपको इजी लगता हो आप वो भी सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।